एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो कि सीडीपी में पूछी जाती हैं। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपका साइकोलॉजी पोर्शन पूछा जाता है, जहां पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैंने 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन को इंक्लूड किया है आज की वीडियो में, जो कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। 50 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे, सारी थ्योरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बातें हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो होंगी थ्योरी के रिगार्डिंग, उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, मिस मत करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में अगर आपको सेशन अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट बात और कि अगर आपको नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए जुड़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं ये सारी पीडीएफ शेयर करूंगी। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनली बिना किसी देरी के, और हम ट्राई करेंगे कम समय में क्वेश्चन को कर लें। आप बहुत ध्यान से इसको सारे क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, और आप मार्क्स जरूर बताना लास्ट में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच थियोरिस्ट इंट्रोड्यूस दी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दी थी, स्किनर, वॉटसन, पावलोव या प्याजे? सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दिया, जिसे हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, आर एस थियरी भी इसे हम कहते हैं। रैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रीइंफोर्समेंट को बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने माना। जॉन वॉटसन कौन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक अगर आपसे पूछेगा व्यवहारवाद के जनक कौन है तो वॉटसन है। पावलोव की थ्योरी जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, और प्याजे को तो आप जानते ही होंगे जिन्होंने 4 स्टेजेस दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के चूहों के प्रयोग ने व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के किस पहलू की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है? आपको ये बताना है कि जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था उसमें किस एस्पेक्ट की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि ह्यूमंस आर लाइक एनिमल्स, ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट कैन स्ट्रेंथन लर्निंग, थर्ड रीइंट्रीगेशन ऑफ लर्निंग, फोर रैट्स लर्न क्विकर दैन डॉग्स। सो इसमें आपको बताना है कि रैट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया था, बेसिकली थ्योरी का मेन क्या मोटिव था। तो थ्योरी ये कहती है कि जितना आप रीइंफोर्स करेंगे उतना ही सीखना हमारा मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे रैट ने जितना काम किया, उसने जैसे जैसे काम किया उसको फूड मिलता गया, और जैसे जैसे उसको फूड मिलता गया उसका जो एक लर्निंग था, गेट को जो ये दरवाजा था इसको खोलना उसका बढ़ गया, यानी कि लर्निंग करने की गति कब बढ़ी, जब उसे रीइंफोर्समेंट मिल रहा था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्वेश्चन थर्ड कहता है, व्हाट डज द ZPD स्टैंड फॉर? ZPD की फुल फॉर्म आपको बतानी है, और राइट आंसर इसका क्या बनेगा भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये किसकी थ्योरी में बात की गई, वाइगोत्स्की की थ्योरी में। इन्होंने वाइगोत्स्की ने बहुत इस पे फोकस किया, इन्होंने अपनी थ्योरी में बात किया कि जो चाइल्ड का जो करंट लेवल है और ऐसा लेवल जहां वो नहीं पहुंच सकता, चाहे आप उसको कितना भी सपोर्ट दे दो, उसके बीच का जो जोन है, जो एक अंतर है, उसे ZPD कहा गया। ठीक है, तो याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू ऑन देयर ओन एंड व्हाट दे कैन डू अंडर अडल्ट गाइडेंस और इन कोलैबोरेशन विद। आपको सिंपल ये बताना है कि जो ZPD है, हमने पढ़ लिया कि भाई ZPD क्या है, एक अंतर को दिखाता है कि जो बच्चा खुद कर सकता है और जो वो खुद नहीं कर सकता, उसके बीच का जो ये जोन है जो वो किसी की हेल्प से करता है, उसमें वो किसकी हेल्प लेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि हेल्प किसकी ली जाती है, कौन सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जो जहां पे कहा गया है MKO। ठीक है, एक वर्ड आता है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स या मोर केपेबल जो लोग हैं वो उसे हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन 5 है कि गार्डनर के अनुसार अंतःबुद्धि क्या है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होगा। तो गार्डनर का आपको याद रखना है 9 इन्होंने इंटेलिजेंस दिया है अभी तक। 1983 में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, इनकी बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। और आपसे पूछा गया इंटरपर्सनल कौन सा होगा, सो इंटरपर्सनल कौन सा होता है, जब आप दूसरे व्यक्तियों को समझते हो, यानी दूसरे लोगों को समझने की एक क्षमता जो है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। अगर हम सेल्फ की बात करें, अपने आप को समझना, तो इंट्रा हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा और इंटर में यही फर्क है, अगर इंट्रा है तो खुद का हो जाएगा, और अगर इंटर पूछेगा तो अदर पीपल हो जाएगा, ठीक है। ये थे कुछ इनके 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, 1983 में दिया था। फिर आठवां जो इन्होंने पहले 7 प्रकार बताया, आठवां इन्होंने 1998 में जोड़ा और नौवां इन्होंने 2000 में जोड़ा था, ठीक है। और ये बॉडी काइनेस्थेटिक है, लॉजिकल मैथमेटिकल म्यूजिकल नेचुरलिस्टिक, जो नेचर से रिलेटेड लोग हैं, स्पेशल मतलब जो विजुअल्स वगैरह या चित्रकारी वगैरह जो करते हैं या जो मूर्तिकार हैं, लिंग्विस्टिक जिनको अंदर भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, जो कोई कोई वक्ता है, कोई लेखक है या कोई कवि है उसके अंदर हो सकता है। इंट्रा का मतलब होता है खुद को समझना कि आप क्या फील कर रहे हैं, और इंटर का मतलब क्या होता है, दूसरे लोगों को समझना, ठीक है। तो ये सारी बुद्धि के टाइप आपको याद रखने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है स्टेनबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडेड प्रैक्टिकल डैश एंड क्रिएटिव। जो स्टेनबर्ग का आपका जो त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत था, ठीक है, त्रितंत्रीय इसको हम कहते हैं, इसमें इन्होंने 3 टाइप बताए थे, एक था प्रैक्टिकल, एक था क्रिएटिव, और तीसरा क्या है वो आपको बताना है, म्यूजिकल इंटरपर्सनल एनालिटिक या इमोशनल। सो राइट आंसर इसका होगा, आई होप आपने गेस कर लिया होगा, राइट आंसर इसका होगा विश्लेषणात्मक, ठीक है। एनालिटिकल जो है तीसरा इन्होंने टाइप बताया, बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था स्टेनबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी, या जिसे हम कहते हैं त्रितंत्रीय सिद्धांत, ठीक है, त्रितंत्रीय सिद्धांत होता है। और 3 टाइप की एबिलिटी इन्होंने बताई, पहला एनालिटिकल जो विश्लेषण करने की योग्यता होती है, दूसरी क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, और तीसरी होती है प्रैक्टिकल। तो ये तीनों टाइप आपको याद रखना है, बुद्धि का सिद्धांत ट्रायर्किक थ्योरी स्टेनबर्ग ने दी। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यह बताता है कि बुद्धि को 2 कारकों द्वारा मापा जाता है। द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को कौन कौन से कारकों में बांटा गया है, तो आपको बताना है जो 2 फैक्टर थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पे राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जनरल एंड जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस और जो स्पेसिफिक एबिलिटी है, 2 एबिलिटी बोली। और किसने दिया था यह सिद्धांत दिया था इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम याद रखना है, ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया बुद्धि का कौन सा सिद्धांत, द्विकारक, 1904 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो जनरल कारक होता है वो 1 होता है, और हमारे अंदर जो विशिष्ट कारक होते हैं वो होते हैं अनेक, ठीक है। तो 1 जनरल कारक और बहुत सारे स्पेसिफिक कारक होते हैं हमारे। जनरल कारक का मतलब वो होता है जो हमारी सामान्य योग्यता है, जो हर व्यक्ति में होता है, जो इनबॉर्न होता है, जो इनबॉर्न आप लेके आते हो ना, आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे काम को कर रहे हो, ये मैं भी करूंगी आप भी करेंगे, लेकिन कुछ हमारी विशिष्ट योग्यता होती है जो हो सकता है आप में हो मुझ में ना हो, तो ये एस फैक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेनबर्ग ने अपने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। अब आपको पता है स्टेनबर्ग की कौन सी थ्योरी थी, हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ट्रायर्किक थ्योरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणीय भी कहते हैं इसको और त्रितंत्रीय भी कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन से एस्पेक्ट थे अभी हमने डिस्कस किया, एनालिटिकल होता है, क्रिएटिव होता है और प्रैक्टिकल होता है, 3 इन्होंने एबिलिटीज बताई थी, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे जो मल्टी फैक्टर है ये किसने दिया, ये याद रखना, थॉर्नडाइक, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक। 8 इंटेलिजेंस किसी ने नहीं दिया, और 2 फैक्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन में छुपे उद्देश्यों के महत्व पर किसने जोर दिया, यानी हु एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिव्स हिडन इन द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस की बात किसने की, किसने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, तो राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड, जिन्हें हम मनोविश्लेषणवाद के जनक भी कहते हैं, साइको एनालिसिस थ्योरी दी इन्होंने। अनकॉन्शियस माइंड पर बहुत इन्होंने वर्क किया, इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जो है अपनी
रिसर्च की और अचेतन मन में छुपे हुए जो भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं उनकी बात की, तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट कैन बी व्यूड एज अ डैश प्रोसेस। डेवलपमेंट को हम कैसा प्रोसेस मानते हैं? अब आप ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, स्टेज लाइक है या रेट्रोग्रेड है। तो डेवलपमेंट आपको पता है कि कैसी प्रक्रिया है जहां पे हमारी जो प्रगति है वो क्रमिक है, स्थिर है, छोटी मात्रात्मक है, तो ये एक निरंतर है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, जहां पे लगातार जो है विकास निरंतर है, ग्रेजुअल हो रहा है। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जॉन लॉक्स व्यू ऑफ द न्यू बॉर्न माइंड एज टेबुला रसा मीन्स दैट द चाइल्ड इज। आपको बताना, जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक एक फिलोसोफर थे, ठीक है, तो जॉन लॉक के अनुसार ये जो टेबुला रसा है, टेबुला रसा इन्होंने दिया, ठीक है, ये डीएसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन है। टेबुला रसा का मतलब इन्होंने क्या बोला? ठीक है, पहला है गलत काम करने में असमर्थ, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि गलत काम करने में सक्षम व्यक्ति को कहा। अब बचे दो ऑप्शन, तो देखो ध्यान से सुनना, जॉन लॉक ने फोकस किस पे किया था? नेचर पे ना करके नर्चर पे फोकस किया था। नर्चर का मतलब क्या होता है? वातावरण। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर आपने पढ़ा होगा, तो नेचर होता है हमारी हेरिडिटी, तो ये हेरिडिटी पे फोकस नहीं करते, ये किस पे करते कि भाई जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट जैसा होता है जिसमें वो एक्सपीरियंसेस उसके अंदर अनुभव डाले जाते हैं, वो अनुभवों को पहले लेता है अपने वातावरण से। तो डी इसका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखेंगे कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वुंड ने, फ्रायड ने, प्याजे या वर्दाइमर? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्स वर्दाइमर ने 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना की थी, तो वर्दाइमर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया और मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी? मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक का नाम याद रख लो, टॉक्स टू टीचर्स। किसने लिखी? ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स जो है जिन्होंने अमेरिका में पहली लेबोरेटरी स्थापित की थी, ठीक है, 1875 में, और इन्हें अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने क्या दिया? प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया। प्रकार्यवाद का जनक कौन माना जाता है? विलियम जेम्स को, फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी हु स्टार्टेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन हुज थियरी वॉज इंट्रोस्पेक्शन। तीन क्वेश्चन पूछे गए इस एक क्वेश्चन में। पहला पूछा गया फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, दूसरा पूछा गया कि किसने पहली लेबोरेटरी स्थापित की, और इंट्रोस्पेक्शन किसने दिया। तो तीनों का आंसर होगा विलियम वुंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विलियम वुंड किसके साथ मिलकर? टिचनर के साथ मिलकर, टिचनर इनका शिष्य था, इनके साथ मिलकर 1879 लिप्सिंग जर्मनी में, याद रखना जर्मनी के एक शहर जिसका नाम था, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, लिप्सिंग में इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित की साइकोलॉजी की। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना 1879 विलियम वुंड ने, तो इन्हीं को फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो लोगों को मानवतावादी सिद्धांतवादी के रूप में माना जाता है, यानी कि ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट कौन कौन है जिन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया? तो ऑलपोर्ट और आइजिंग जो है इन ये दोनों पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी में आते हैं। सिगमंड फ्रायड और ऑलपोर्ट दोनों ये भी पर्सनैलिटी में आते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स दोनों ही कौन है जो मानवतावादी सिद्धांतवादी है। नेक्स्ट आता है कि एक बच्चे की यह समझने की क्षमता कि वस्तुएं दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद रहती है, इसको हम क्या कहते हैं इस एबिलिटी को? ठीक है, अडाप्टेशन है, एकोमोडेशन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है या ईगो सेंट्रिज्म है? सो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बाय 8 मंथ जो है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। कब आता है ये? सेंसरी में। ठीक है, आपको पता होगा 0 से 2 वर्ष सेंसरी जो स्टेज है प्याजे की, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, अगर सुरक्षा की जरूरतें पूरी नहीं होती है तो कोई डैश में नहीं जा सकता। ये बताना है कि अगर आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं हुई, ये क्वेश्चन कहां से आया है? मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से क्वेश्चन आया है। अगर सेफ्टी नीड पूरी नहीं होगी तो हम कौन सी नीड पे नहीं जा पाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्यार और अपनापन जो है
वो हम नहीं कर सकते। तो देखो मैस्लो की जो थ्योरी थी उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी, जिसमें इन्होंने बोला कि हमारी जो आवश्यकताएं वो लोअर लेवल से, यानी कि लोअर से हायर की तरफ हमारी आवश्यकताएं जाती है। एक आवश्यकता की पूर्ति होगी तभी हम आगे जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो पहला आता है फिजियोलॉजिकल, जिसे कहते हैं जैविक आवश्यकताएं हमारी, जिसमें क्या आ जाता है, फूड, वाटर, रेस्ट, ठीक है, पानी, खाना, जो बेसिक नीड है। उसके बाद सिक्योरिटी, सेफ्टी की नीड आ जाती है। सेफ्टी के बाद अगर सेफ्टी पूरी नहीं होगी तो हम लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ नहीं जा पाएंगे, जिसमें हम अपने रिलेशनशिप को बनाते हैं। फिर आता है एस्टीम की नीड, यानी आप आत्मसम्मान की अवस्था आती है। और सबसे एंड में जो हाईएस्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 5 जो है इन्होंने हायरार्की दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताना है द ऑर्डर ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब देखो वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपको बॉटम से टॉप तक मतलब स्टेजेस ऐसे बतानी है। ठीक है, तो अभी डिस्कस किया हमने, सबसे पहले कौन सी नीड आती है, वही फिजियोलॉजिकल आती है। उसके बाद सेफ्टी नीड आती है, उसके बाद बिलोंगिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा, पहले आपकी फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर लव नीड, बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन 19 है, गांधी खुद को जोखिम में डालकर दूसरों के अधिकार के लिए लड़ते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना सही है, वह नैतिक विकास के कौन से चरण में है। तो बताना है ये नैतिक विकास का कौन सा स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का। So, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई वो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं अपने आप को रिस्क पे रख करके। तो ये जो स्टेज है ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करें कोलबर्ग के, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो सिद्धांत है ये कौन सा सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वो हमारे स्टेज किस में आता है, हमारे लास्ट स्टेज जो है स्टेज 6 में आता है। आइए देखते हैं, जैसे कि लेवल 3 इन्होंने लेवल दिए, अगर कोलबर्ग का थ्योरी देखे तो 3 इन्होंने क्या दिए थे, लेवल दिया, और हर लेवल में 2-2 स्टेज, यानी कि टोटल 6 स्टेज दिया, और हर लेवल में इन्होंने 2-2 स्टेजेस दी हैं। तो यहाँ पर जो लेवल 3 है उसके अंदर हमारा यूनिवर्सल एथिकल आता है, ठीक है, स्टेज 6। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हैंक डजंट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ, ही इज इन द डैश स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब आपको बताना है कि एक व्यक्ति है जो कि सीमा से अधिक ड्राइव नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि यह कानून के विरुद्ध है, तो वह कौन से चरण में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो देखो पनिशमेंट ओबीडियंस में तो होगा नहीं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है आपका। फिर उसके बाद है नेवली इगोस्टिक, तो ये कोई स्टेज नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या लॉ एंड ऑर्डर, तो देखो यहाँ पर होगा लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्टेज है, ये स्टेज 4 होती है, और ये कौन सी है, ये स्टेज 5 है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर में है, वो क्या कर रहा है, नियमों और कानूनों का पालन कर रहा है। नेक्स्ट है द स्टेज दैट अकर्स बिटवीन बर्थ एंड 1 ईयर ऑफ एज इज कंसर्न्ड विद। ये क्वेश्चन आपका कहां से है, एरिक्सन के साइको सोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत जो था जिसमें इन्होंने 8 स्टेज बोली थी एरिक्सन ने। तो उसमें बताना है कि जो जन्म से 1 वर्ष की आयु वाली स्टेज होती है वो कौन सी होती है। तो राइट होगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास जो है ये जो है एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है ये 3री स्टेज होती है, ठीक है, थर्ड वाली। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो है ये होती है किशोरावस्था में, ठीक है, किशोरावस्था में, याद रखना है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनोविश्लेषणात्मक व्यक्ति सिद्धांत किसने विकसित किया जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो शामिल थे। किसने दिया भाई, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने डेवलप किया, और इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट किसने दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सिगमंड फ्रायड, इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि हमारे मन के 3 प्रकार हैं, ठीक है, और इन्होंने बोला कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो 3 कारकों से मिलकर बन रही है, इड, ईगो और सुपर ईगो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज कम अंडर द प्राइमरी लॉ ऑफ। भाई आपको पता है प्रयोग का और अनुपयोग का जो नियम है, ठीक है, यूज एंड डिसयूज का नियम किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ रेडीनेस में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारा आता है
एक होता है यूज और एक होता है डिसयूज। ठीक है, तो तीन लॉ इन्होंने दिया था। किसने दिया है ये तीनों लॉ? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, याद रखना थॉर्नडाइक के तीन प्राइमरी लॉ थे, इन्होंने थ्री जो है प्राइमरी लॉ दिया, और पांच कौन से लॉ दिए थे? सेकेंडरी लॉ दिए थे। ठीक है, तो पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव करने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूज और डिसयूज जो है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के पार्ट है। क्वेश्चन 24 है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन अकर्स एट व्हाट स्टेज? आपको बता रहे कि अतरंगता बनाम अलगाव की अवस्था कौन सी होती है। तो चार ऑप्शन दिए हुए, तो राइट आंसर इसका जो होगा, इंटीमेसी और आइसोलेशन जो स्टेज होती है वो आती है यंग अडल्टहुड में। कब आती है? युवा व्यस्क अवस्था में। ठीक है, जहां पे या तो यहाँ पे व्यक्ति को प्यार मिलता है, लव, ठीक है, या तो अलगाव होता है। ठीक है, तो यहां बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाकी स्टेजेस भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सो दैट कि ये आपको याद हो जाए। तो ये एरिक्सन का स्टेज है। ठीक है, एरिक्सन की थियरी है साइको सोशल। आठ इन्होंने टोटल अवस्था इनकी कितनी थी? आठ थी, जिसमें इन्होंने पूरे जीवन अवधि काल को विभाजित कर दिया, इसीलिए इसके सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो है आठ स्टेजेस है, और यहाँ पर इंटीमेसी और आइसोलेशन जो है वो यंग अडल्टहुड में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरिक्सन से है। आपको बताने कि एरिक्सन के मनोसामाजिक चरणों के अनुसार कौन सा चरण एक बच्चे का वर्णन करता है जिसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखने और सक्षमता प्राप्त करने के लिए स्कूल में साथियों के साथ अनुकूलन रूप से तुलना करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपसे कौन सा एज पूछा गया है? स्कूल एज। ठीक है, जहां पे बच्चा स्कूल एज में है, तो स्कूल एज में जो अवस्था होती है वो ट्रस्ट वर्सेज नहीं होगी। आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन किशोरावस्था में आती है ये। ठीक है, ये किशोरावस्था में आती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आपका अर्ली चाइल्डहुड में आता है, तो यहाँ डी ऑप्शन बचा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी जो स्टेज होती है वो विद्यालय वाली अवस्था होती है, ये वाली जो होती है। ठीक है, फोर्थ स्टेज जो है वो स्कूल एज होती है, यानी कि ये लेटर चाइल्डहुड में आती है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शास्त्रीय अनुबंधन की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में सही क्या है? फर्स्ट है कि ऑर्गेनिज्म लर्न फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर बिहेवियर। सेकेंड, ऑर्गेनिज्म लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर। क्या क्लासिकल कंडीशनिंग में जो डॉग था वो ऑब्जर्व करके सीख रहा था? तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये बैंडूरा कहते हैं ऐसा। नेक्स्ट है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज से सीखता है या कनेक्शन से सीखता है? तो देखो, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो है यानी कि स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं से सीखना, ये नहीं होगा। ठीक है, वॉलेंट्री से नहीं सीख रहा था, उसको क्या किया गया? कंडीशन किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कि एक संबंध को बनाया गया। ठीक है, डॉग जो फूड को देख के जिसकी लार आ रही थी, उसका संबंध घंटी से बनाया गया, घंटी को भी देख के उसको लार आने लगी, यानी कि एक संबंध को यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो ये कनेक्शन से सीख रहा है, एसोसिएशन से सीख रहा है। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 27 है, फ्रायड के अनुसार मन के तीन घटक कौन से हैं भाई? मन के तीन घटक, माइंड के थ्री कॉम्पोनेंट कौन से होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ऑप्शन ए हो जाएगा। इड जो है हमारा, वो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और हमारे जो ईगो है, ईगो जो है वो रियलिटी पे, और सुपर ईगो जो है वो हमारे मोरालिटी पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का एक चरण जिसे बच्चे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं ले सकते हैं, यानी कि बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते, ये अवस्था कौन सी है प्याजे के अनुसार? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस तो नहीं होगा, ये हमारे सेंसरी में आता है, जहां पे बच्चा ये जान लेता है कि अगर कोई वस्तु उसके सामने से हटा दी जाए तो भी उसका अस्तित्व रहता है। तो यहाँ राइट होगा ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां वो दूसरे व्यक्तियों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा। एनिमिज्म क्या होता है भाई? एनिमिज्म होता है कि जो निर्जीव चीजें हैं, ठीक है, जो निर्जीव है या जो नॉन लिविंग है, उनको क्या समझता है? उनको वो लिविंग समझता है बच्चा। ठीक है, जैसे अगर कोई मेज है, कोई कुर्सी है, कोई दरवाजा है, तो इन सबको, या मान लो कि उसकी कोई गुड़िया है,
तो वो सबको मानता है कि इनके अंदर भी जान है। तो इस जो ये जो एक बच्चे के अंदर ये एक होती है, इसे एनिमिज्म कहते हैं, ठीक है, ये जो टेंडेंसी है इसे एनिमिज्म कहते हैं। तो यहाँ बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल क्रिएट न्यू स्कीमास और एडजस्ट दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस, कौन सी प्रक्रिया है ये? कंजर्वेशन, अडाप्टेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अकोमोडेशन? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा नहीं, कंजर्वेशन भी नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, जहां पे कंजर्वेशन कब आता है प्याजे के थ्योरी में, स्टेज नंबर 3 में, ठीक है, जहां पे उसको पता है कि किसमें पानी कम है किसमें ज्यादा है, बराबर है, और गोलियां अगर आप उसको दे दो तो वो बोलेगा कि भाई सब में बराबर है, तो इसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब हाइट, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, सबका कंसेप्ट उसको आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो राइट है वो होगा बी, अडाप्टेशन। अडाप्टेशन क्या है, जहां पे स्कीमा में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, आप बदलाव ला रहे हैं, कोई बदलाव ला रहे हैं अपने वर्तमान स्कीमा में, उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ डी हो जाएगा गाइस। ओके, सो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अनुकूलन नहीं होगा, ठीक है। अनुकूलन जो है, अनुकूलन में आपका एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों आता है, ठीक है। अनुकूलन, अडेप्टेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, फाइनल क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एरिक्सन्स 8th स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्च्यू। आपको बताने कि एरिक्सन का जो साइकोसोशल थ्योरी था उसमें आठवां चरण जब अगर कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसके अंदर कौन सा गुण डेवलप होता है, वर्च्यू कौन सी आती है, तो ये वर्च्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो राइट इसका देखो होगा विजडम, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर बुद्धि यानी विजडम आता है, ठीक है, विजडम याद रखना है आपको, बाकी गुण भी याद रखना है। अगर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, अगर उसके अंदर ट्रस्ट, उसने अगर ट्रस्ट करना सीख लिया तो उसके अंदर होप यानी आशा विकसित होती है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट में अगर उसके अंदर एटोनोमी आ जाती है तो क्या होगी, इच्छा शक्ति विकसित होगी जिसे विल कहते हैं। इनिशिएटिव अगर करना सीख गया तो पर्पस, उसको अपने जीवन, उसको उद्देश्य मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्री अगर आ गई तो सामर्थ्यता आ जाएगी उसके अंदर। ईगो आइडेंटिटी हो गई तो कर्तव्य परायणता आ जाएगा जिसे हम फिडिलिटी कहते हैं। इंटीमेसी अगर हो गई तो प्यार यहाँ पे आता है, प्यार का गुण आता है। जनरेटिविटी हो गया अगर तो वो दूसरों को स्नेह कर पाएगा, केयर कर पाएगा। और अगर ईगो इंटीग्रिटी यानी संपूर्णता का भाव अगर उसके अंदर आ गया तो विजडम हो जाएगा। तो ये सारे वर्च्यू आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम शेल्डन ने किस प्रकार के शरीर को अपराधी व्यवहार से जोड़ा, यानी कि जो डेलिक्वेंट बिहेवियर होता है वो किसके अंदर होता है वो आपको बताना है। एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ या फिर ग्राफमॉर्फ। तो यहां पर देखो, जो शेल्डन का एक जो उन्होंने टाइप थ्योरी दी थी, ठीक है, ये पर्सनालिटी के अंदर है, याद रखना। पर्सनालिटी के जो विलियम शेल्डन थे, इन्होंने टाइप थ्योरी दी थी, और टाइप थ्योरी में इन्होंने बॉडी को 3 टाइप में विभाजित किया जिसमें ग्राफमॉर्फ नहीं आता, तो डी नहीं होगा, ठीक है। और अपराधी भाव बोला है तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा एंडोमॉर्फ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे तीनों टाइप कौन कौन से है ना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला होता है एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ को विसरोटोनिक भी कहते हैं। एंडोमॉर्फ ऐसे लोग होते हैं जो गोलू मोलू से होते हैं, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं तो गोल मटोल वाले लोग जो है वो एंडोमॉर्फ होते हैं। मेसोमॉर्फ जो होते हैं जो मस्कुलर होते हैं, जिसके मसल्स होते हैं, बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, वो मेसोमॉर्फ में आते हैं। और एक्टोमॉर्फ कौन होते हैं, जो दुबले पतले होते हैं बहुत ज्यादा, जिनकी मसल्स बहुत कमजोर होते हैं, तो यहाँ पे पतले व्यक्ति आते हैं। और ये जो होते हैं ये संतुलित वाले लोग होते हैं। तो तीनों का नाम याद रखना है, अगर मोटे मोटे लोग हैं तो एंडोमॉर्फ, ठीक है, मेसोमॉर्फ में आपके संतुलित लोग होंगे, और एक्टोमॉर्फ में जो बहुत पतले हैं। तो ये तीनों टाइप किसने बोला, शेल्डन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMPI का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। MMPI जो है ये एक इन्वेंटरी है जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आता है भाई कि MMPI किसका पार्ट है, तो पर्सनालिटी में इसको जो है यूज किया जाता है, पर्सनालिटी थ्योरीज में। और ये क्या मापता है,
तो ये मापता है व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक जो विकार हैं, ठीक है, आपके मेंटल से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ या डिसऑर्डर्स या पर्सनालिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको देखता है। तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 33 है, मोनोजाइगोटिक डैश जुड़वा के लिए है और द्वियुग्मनज डैश जुड़वा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरिडिटी से। मोनोजाइगोटिक किसको कहते हैं और डायजाइगोटिक किसको कहते हैं? तो याद रखना मोनोजाइगोटिक जो होते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल, और जो डायजाइगोटिक होते हैं उन्हें कहते हैं फ्रैटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोजाइगोटिक को क्या कहते हैं भाई, आइडेंटिकल ट्विंस, और डायजाइगोटिक को कहते हैं हम फ्रैटर्नल ट्विंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों के बारे में देख लो, ये जो है ये आपके देख रहे दो एग से फर्टिलाइज हुए हैं, तो ये आपके हैं फ्रेटर्नल, कौन से हैं ये फ्रेटर्नल ट्विंस है, ठीक है, जो दो अंडों से फर्टिलाइज होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं, और ये जो है अलग अलग, इनका सेक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनका सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो इनका जो सेक्स है वो कुछ भी हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकती है, गर्ल गर्ल हो सकता है, तो ये फ्रेटर्नल है। और जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कौन से होते हैं, जो वन एग, जो एक ही अंडे से फर्टिलाइज होके निकलते हैं, ठीक है, एक अंडे से जो दो बच्चे जो होते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, जिनका सेक्स सेम है। अगर गर्ल है तो गर्ल ही होंगी दोनों, और अगर बॉय हुआ तो दोनों का सेक्स बॉय सेम होगा, और हर चीज में समान होते हैं ये, तो ये आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आइडेंटिकल को हम क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक, ठीक है, मोनोजाइगोटिक, और फ्रैटर्नल को क्या कहते हैं हम, डायजाइगोटिक, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज मेमोरी एंड इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस इज बोथ इगोसेंट्रिक एंड इंटुइटिव। आपको बताना है कि कौन सा प्याजे का स्टेज है जहां पे जो बुद्धि होती है वो इगोसेंट्रिक और इंटुइटिव दोनों होती है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल, यानी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसमें इंटुएटिव जो एज है बच्चे की वो 4 से 7 वर्ष होती है। इंटुएटिव का मतलब ये होता है कि बच्चा तर्क नहीं लगा पाता, उसको तर्क नहीं लगाता है, ठीक है, बहुत तर्कपूर्ण वो चिंतन नहीं कर पाता यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं इंटुएटिव पीरियड। और ईगोसेंट्रिक मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को ना जान पाना, तो यहाँ प्री ऑपरेशनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन आर गुड सो दैट दे कैन बी सीन एज गुड टू अदर पीपल। कौन सा स्टेज है जहां पे भाई ये कहा जाता है कि भाई बच्चे अच्छे होते हैं ताकि उन्हें अन्य लोगों के लिए अच्छे रूप में देखा जा सके, तो ये कौन सा स्तर है? तो ये जो स्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल लेवल हो जाता है, जिसमें आपका आ जाता है गुड बॉय गुड गर्ल। ये जो स्टेज है ये किसकी बात कर रहा है, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज की बात कर रहा है, कि भाई आपको अच्छा बनना पड़ेगा दूसरों के सामने ताकि लोग आपको अच्छा समझे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल में ये स्टेज नंबर जो है 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स द हाईएस्ट पोटेंशियल अ पर्सन कैन रीच। मैस्लो के अनुसार एक व्यक्ति जो उच्चतम क्षमता तक पहुंचता है, यानी हाईएस्ट जो उसका नीड है वो कौन सी नीड आती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आत्म सिद्धि की आवश्यकता जो होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हाईएस्ट नीड है मैस्लो की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉम्प्लेक्स लड़कियों के लिए है और डैश कॉम्प्लेक्स लड़कों के लिए, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात की है फ्रायड ने साइको एनालिसिस में, जिसमें जो इलेक्ट्रा है वो गर्ल के लिए और ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो बॉय में होती है। इलेक्ट्रा का मतलब है कि जो गर्ल है वो अपने पिता के प्रति आकर्षण को दिखाएगी, और ओडिपस का मतलब ये होता है कि जो बॉय है वो अपनी माँ के प्रति एक सेक्सुअल अट्रैक्शन को देखता है। तो इलेक्ट्रा ओडिपस दोनों याद रखना, इलेक्ट्रा गर्ल में और ओडिपस बॉय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलोसेंस मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल स्टेज। आपको बताना है कि जो एडोलोसेंस में, यानी किशोरों में, किशोरावस्था की जो अवस्था है जहां पे किशोरों में ये पाया जाता है, वो कौन सा स्टेज होता है? तो इनिशिएटिव गिल्ट नहीं होगा, ये हमारा चाइल्डहुड में आता है, ठीक है। इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी जो है ये हमारा आता है 6 to 12 years, यानी लेटर चाइल्डहुड में, ये आपका अर्ली में आता है। और आइडेंटिटी बनाम आइडेंटिटी कंफ्यूजन जो है ये आपका किशोरावस्था में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आपका एडोलेसेंस में क्या आता है कि बच्चा या तो आइडेंटिटी को विकसित करेगा या फिर भूमिका भ्रांति में रहेगा कि उसका क्या रोल है, वो क्या करेगा लाइफ में, ठीक है। और इंटीमेसी जो है ये अडल्टहुड में आता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल जंग के अनुसार बहिर्मुखे का लक्षण कौन सा नहीं है। देखो, कार्ल जंग ने बोला कि भाई दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं, जो फ्लेक्सिबल है, अडाप्टेबल है, बहुत दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, इंटरेस्ट है उनको एथलेटिक्स में, लेकिन जो बहुत चिंता करते हैं ये जो है ये इंट्रोवर्ट की ज्यादा एक खासियत होती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द रेंज ऑफ टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू मास्टर अलोन बट दैट कैन बी मास्टर्ड विद गाइडेंस एंड असिस्टेंस ऑफ अडल्ट्स और मोर स्किल्ड चिल्ड्रन इज कॉल्ड। देखो ध्यान से पढ़ना, आपको दो चीजें ऑप्शन में दी हुई हैं, मेटाकॉग्निटिव होगा नहीं, डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होगा, दो ऑप्शन है, या तो स्कैफोल्डिंग होगा या तो ZPD होगा। यहाँ पे क्या कहा गया कि मोर स्किल्ड चिल्ड्रन को क्या कहा जाता है, जो वो गाइडेंस ले रहा है, जो वो सपोर्ट या असिस्टेंस ले रहा है दूसरों की, उसे हम क्या कहेंगे, एक तरह से ढांचा या सहायता कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो जो सहायता दी जाती है ना MKO के द्वारा, जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्लेम टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो क्या इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं, करियर एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस या फिर पेरेंटिंग स्टाइल। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है ये पर्सनालिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो अचेतन रूप से जो मन में छिपी हमारी इच्छाएं भावनाएं होती हैं उनको बाहर लाने के लिए, जो विजिबल नहीं है, जो हम देख नहीं सकते, उसको पता करने के लिए ऐसे टेस्ट बनाए गए। तो ये अनकॉन्शियस जो लोगों की अचेतन जो एक माइंड है उसको जानने के लिए इन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो दमित भावनाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं। तो सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, मनोगतिकीय सिद्धांत के जनक कौन है, साइकोडायनेमिक थ्योरी किसने दी। तो राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रायड, जिसे साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक भी नहीं कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साइकोडायनेमिक भी इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, बुद्धि का एकल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोला गया है। तो एडलर होगा, बिने होगा, हल होगा या गिलफर्ड होगा। तो हल का आपको पता ही है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। गिलफर्ड का आपको बताना है, गिलफर्ड का क्या है, संरचना सिद्धांत है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए, या जिसे हम कहते हैं कि वह स्ट्रक्चर मॉडल या 3D सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफर्ड ने दिया। तो यहाँ पे सिंगल फैक्टर किसने दिया, अल्फ्रेड बिने, ठीक है, बिने ने दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आएगा यूनिफैक्टर थ्योरी एकल, तो भी आंसर क्या होगा, बिने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोर्शा इंगब्लॉक टेस्ट में क्या शामिल है। रोर्शा इंगब्लॉक टेस्ट जो है ये क्या है, एक पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, किसके अंदर आता है, पर्सनालिटी के अंदर आता है, ठीक है। हरमन रोर्शा ने इसको दिया था। और इसमें क्या है, कितने कार्ड होते हैं, तो टोटल अगर आपसे कार्ड पूछा जाए तो टोटल कार्ड जो होते हैं वो 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, जिसमें जो 5 है वो काले और सफेद होते हैं और 5 जो है वो मल्टी कलर होते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द कंक्लूजन, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डेफिसिट इन मूवीज मे बी ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता नहीं कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख जाते हैं, इसके आधार पर कौन सा सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट बैंडूरा द्वारा दिया गया था, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। सामाजिक जो सोशल जो सामाजिक सिद्धांत था, बोबरडॉल एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ब्रूनर का कौन सा स्टेज नहीं होगा, जो ब्रूनर ने नहीं दिया अपनी थ्योरी में। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे इंटुएटिव स्टेज है, ये कोई भी स्टेज नहीं है, ये आपका प्याजे के में आता है, ठीक है। प्याजे में 4 से 7 वर्ष वाली अवस्था आती है ये।
तीन बाकी के जो है ये ब्रूनर ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। तीन इन्होंने स्टेजेस की बात की, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। तो आइए देखते हैं तीनों के बारे में। इनएक्टिव क्या होता है, जहां पे बच्चा एक्शन से सीख रहा है, जैसे बुक से खेल रहा। आइकॉनिक में बच्चा पिक्चर से सीख रहा है, और सिंबॉलिक में आते आते बच्चा लैंग्वेज का यूज करने लग जाता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेज ब्रूनर ने दिया था, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत वाला बताना है। फर्स्ट है कि यह मानता है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। क्या प्याजे ने यह बोला कि जो विकास है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो यही हमारा गलत हो गया। प्याजे ने अपनी थ्योरी में ये नहीं बोला कि विकास जो है वो असतत है। बाकी की चीजें बिल्कुल ठीक है कि हम एसिमिलेशन अकोमोडेशन से सीख रहे हैं, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है, स्टेजेस में होता है, ये भी बोला इन्होंने। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार इस स्तर पर व्यक्ति अपने स्वयं के समाज के कानून और नियमों के समर्थन पर सवाल उठाने से आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि बियॉन्ड क्वेश्चनिंग लॉ एंड रूल को सपोर्ट करना कौन से स्टेज में आएगा। थोड़ा हिंदी गाइज इसका गलत हो सकता है, आप इंग्लिश में इसको पढ़ो। लॉ एंड रूल को सपोर्ट बच्चा जहां कर रहा है वो कौन सा लेवल है, तो वो लेवल होगा कन्वेंशनल लेवल। ये कोई लेवल नहीं है, कन्वेंशनल लेवल जो होता है जहां पे आपका स्टेज नंबर 4 आता है, लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे एक जो पर्सन है वो अपने सोसाइटी में नियमों को कानूनों को मानता है बिना क्वेश्चनिंग करे। तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। कौन से सिद्धांत को थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, संचालक कंडीशनिंग, यानी जिसे हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसे हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, आरएस थ्योरी भी से हम कहते हैं। थ्योरी ऑफ इंसाइट पूछेगा तो किसने दिया, कोहलर ने, इंसाइट थ्योरी, कोहलर सूज का सिद्धांत, जो कि किसमें आते हैं, गेस्टाल्ट में आते हैं। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पूछेगा तो थॉर्नडाइक को जाता है, थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर है, और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो इस सबके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का आता है कि द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में कौन सी एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है प्याजे के अकॉर्डिंग, वो बताना है। तो देखो, जो डी, ये जो ए वाला है, ये आता है फॉर्मल में। ठीक है, फॉर्मल में आता है आपका स्टेज 4, हाइपोथेटिकल में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपका किस में आ जाता है भाई, फॉर्मल में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में। और दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना, ये जो है ये आ जाता है कंक्रीट में। ठीक है, कंक्रीट में आ जाता है, जहां पे बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने लग जाता है, ईगो सेंट्रिज्म कम हो जाता है 7 से 12 में। और यहाँ पे ए जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा। यहाँ पे पूर्व संचालन की एक अवस्था जहां पे बच्चा निर्देशित व्यवहार को सीख जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस अब कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंड सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज कमेंट में बताया करें, आप जितने लाइक करेंगे, आप जितना कमेंट करेंगे, उतना ही मुझे पता चलेगा कि मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा, या जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपको कितनी हेल्प कर रही है। तो आप जरूर मुझे बताया करें, कोई भी फीडबैक, कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।